चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारतीय के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। हिस्ट्री को देख रहे हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो याद रखिए, फिरोज तुगलक ने, फतेह फिरोज शाही। अगला है, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता देवता का है? विष्णु का। अगला है, किस वंश को समाप्त कर चोल राज्य की स्थापना हुई थी? कांची के पल्लव वंश को। अगला, हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ? 622 ईस्वी में। अगला है, पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब नवाब सिराज दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया? तो ये 23 जून 1757 को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के काल के किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विश्लेषणों से पुकारा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? महोबा में। अगला है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। अगला है, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि ली? लॉर्ड कर्जन ने। अगला है, महात्मा बौद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि मध्यम मार्ग अतीत भोग, विलासपूर्ण जीवन शैली और घोर तपस्या द्वारा शरीर को यातना देने वाले जीवन के बीच का मार्ग है मार्ग था। अगला है, भगवान महावीर ने पूर्ण अहिंसा का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि सभी चेतन और अचेतन के अंदर जीव विद्यमान है। अगला है, नागानंद रत्नावली एवं प्रिय दर्शिका नाटक किसके लेखे? हरस में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। अगला है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को। अगला है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की है? अली वर्दी खान है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सेना और नादिर शाह के बीच फरवरी 1739 में युद्ध कहाँ हुआ था? करनाल में। अगला क्वेश्चन है, कांची का कैलाश मंदिर जिसके द्वारा स्थापित की द्रविड़ शैली का उद्भव होता है, किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव राजा राज सिंह द्वारा प्रारंभ का पुत्र महेंद्र द्वारा पूर्ण। अगला, किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवान ए अमीरी अमीर कोही की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है, औषधि के महान विशेषज्ञ चरक किसकी राज्यसभा में थे? कनिष्क की राज्यसभा में। अगला है, फारस ने से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? देवराय द्वितीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंध था? तुलो राजवंश से। अगला, किस स्थान के शासक ने अफजल खां के साथ 1669 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? बीजापुर के शासक ने। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल सुरकोटदा कहाँ पाया गया? गुजरात में। अगला है, अलवरनी द्वारा लिखित भारत वृत्तांत है किताब उल हिंद। अगला है, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? लाहौर में। अगला है, मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? गुरु तेज बहादुर को। अगला है, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह तथा किस अन्य के साथ हुई थी? लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में किन्होंने मिलकर भाग लिया? मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय ने।
अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाला था? सर जॉन चाइल्ड को। अगला है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली निर्णायक सफलता किस युद्ध में मिली? बक्सर के युद्ध में। अगला है, अंग्रेजों ने किस राज्य के शासक को कुशासन का आरोप लगाकर सत्ताच्युत किया था? अवध के शासक को। अगला है, भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट किसे कहा जाता है? अशोक को। अगला है, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था? चंदावार के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में 1194 में। अगला है, वैदिक काल में कौन सा जानवर अगण्य माना जाता था? गाय। अगला है, प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने वारंगल के प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गियासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, मलिक अमर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? इथोपिया का। अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया? 1858 ईस्वी में। अगला है, लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति ना करने की नीति का आरंभ किसने किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। अगला है, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। अगला है, किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो ये था मौर्य सम्राट अशोक। अगला है, तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? अल बरूनी ने। अगला है, किस सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई? तो यह लोथल और कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? कन्नौज के राजा जयचंद को। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई मस्जिदों में सबसे पहले कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक सात शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। अगला है, नूर जहां ने अपने प्रभाव से खुद बादशाह बेगम की उपाधि ली, अपने पिता को इत्माद उद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई, उसके पिता का नाम क्या था? मिर्जा ग्यास बेग। अगला है, इलाहाबाद संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। अगला है, लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के किस नाम का प्रयोग किया? सैंडोकोटस तथा एंडोकोटस। अगला है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना किसने की? जियाउद्दीन वर्दी ने। अगला क्वेश्चन है, 1570 ईस्वी तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी थी? ये था मेवाड़। अगला है, मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। अगला है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अगला है, भारत में ब्रिटिश व्यापारी प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने हेतु आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम हॉकिंस। अगला है, आयुर्वेद किस वेद का वेद माना जाता है? ऋग्वेद का। अगला है, गुप्त काल की किस प्रसिद्ध
लेखक ने स्वप्न वास वदता की रचना की इथे भास। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम किनके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा? पल्लव शासकों के शासनकाल में। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? फाहान। अगला है, इब्राहिम खां गद्दी किस पेशवा का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? वालाजी बाजीराव का।